दोस्तों नमस्कार। आज एक बहुत ही ज़्यादा अकड़न वाली बहस हमारे सामने आई है और ऐसी अकड़न को कैसे दूर करेंगे जो लंबे समय से चल रही है। चलिए पहले पशुपालक से हिस्ट्री जानते हैं। थोड़ा आगे चलाओ, आगे चलाओ। हेलो लाजा, हाँ और आगे चलाओ। हेलो, कितने दिन से है समस्या इसको? 4 महीने। 4 महीने से? 4 महीने से प्रॉब्लम है? तो 4 महीने से ऐसे ही चल रही है? मान पहला कि वो बादी है, बादी है। अच्छा अच्छा, बादी के भरोसे रह गए ना। ठीक है, थोड़ी और चलाओ। तो ये 4 महीने से, मतलब आपके पास कितने टाइम से है? मांगन तो लेन हुए हैं 7-8 महीने। 7-8 महीने और 4 महीने से है प्रॉब्लम? हाँ। यानी आपके यहाँ आकर के ही प्रॉब्लम हुई? हाँ, थी तो। अच्छा, कुड़ा कुड़ा। एक पैर कौन सा था पहले? शुरुआत में पहले एक पैर में थी प्रॉब्लम है ना, उधर वाला? इधर वाला? इधर वाला अभी सही दे रही है, उधर वाला खराब है ना। वैसे तो इसकी पूरी बॉडी खराब है। ब्याही हुई कब की है? टेम्परेचर लेना कितना है भाई? टेम्परेचर बिहारने वाली है। अच्छा, 1 महीने में बिहारने वाली है? 9 महीने की प्रेग्नेंट है और ये कंडीशन है। थोड़ी पकड़ो, आगे से पकड़ो। कंडीशन तो बहुत ज्यादा क्रिटिकल है भाई इसकी। तो फिर बैठती उड़ती है, बैठ जाती है अपना आप बैठ जाती है, अपना आप उड़ जाती है। ये भी ठीक है कि अपना बैठ उठ रही है। चलने में दिक्कत है, चलती नहीं है। 102 पॉइंट समथिंग आया है ना, 102.1। यानी टेम्परेचर भी नॉर्मल है। खाना पीना बराबर कर रही है? हाँ। खाने पीने पे कोई शिकायत नहीं है ना? और उठना बैठना भी कर रही है, लेकिन चल ऐसे रही है बस। ये स्थिति है। टेम्परेचर भी नॉर्मल है। और आप देखिए क्या क्या दवा दे दी, कोई दवा की पर्ची या कोई दवा है आपके पास? देसी दवाई क्या क्या दी? कूड़ा छाल दी। और कूड़ा छाल जो आती है देसी दवाई, अंग्रेजी में क्या दिया? कोई सिरप वगैरह, कोई पाउडर वगैरह? डॉक्टर कोई नहीं, ग्लूकोज तो लगाए वो अलग है। कितनी बार लगा दिए ग्लूकोज? 3 बार अभी लगाए, महीने भर पहले। 3 बार महीने भर पहले ग्लूकोज भी लगे हैं ना। तो कोई बोतल वगैरह पिलाने के लिए दी इसको कोई दवा? हाँ दी थी। कोई है खाली बोतल आपके पास? यहाँ पर नहीं है ना। कोई लाल लाल शीशी थी, वाइट वाइट पाउडर ऐसा कुछ? वाइट शीशी थी और उसमें गुलाबी गुलाबी पिंक पिंक कलर की दवाई थी। पिंक कलर की दवाई थी वाइट शीशी में, है ना? ऐसा है। और दूध कब तक निकाला था आपने इसका? दूध छोड़े हुए कितने दिन हो गए? दूध 2 महीने पहले दूध छोड़ दिया था इन्होंने। ये स्थिति है भाई। शरीर की तो कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो रखी है। स्किन देखिए आप, पूरी स्किन देखिए एकदम से खींच रखी है। ये देखिए, मांस नाम की चीज ही नहीं है। डिस्प्लेसमेंट तो नहीं है, लेकिन ये हड्डियों की प्रॉब्लम होने की वजह से ही हो रही है। दोनों तरफ से ही करके खड़ी है ना। ये देखिए भाई, रूमिनल मूवमेंट तो देख लो। हालांकि रूमिनल मूवमेंट तो सही चल ही रहा है, स्किन और हड्डियां और मसल्स सारे खराब हो गए। कोई जीभ पे डालने की कोई दवा दी? होम्योपैथी वगैरह ऐसी कुछ नहीं दी है ना। एलोपैथी में बता रहे हैं ड्रिप वगैरह तो लगी है, बाकी होम्योपैथी वगैरह कुछ दी नहीं गई है। दोस्तों ऐसी कंडीशन लंबे समय से चले आ रहे एसिडोसिस की वजह से हो सकती है, इसलिए यहाँ पर रूमिनल पीएच भी हम चेक कर सकते हैं। हालांकि डाइजेशन एसिडोसिस की संभावनाएं यहाँ कम है, फिर भी डाउट क्लियर करने के लिए चेक किया जा सकता है। और अगर मान लीजिए एसिडोसिस मिलता है तो उसका ट्रीटमेंट यहाँ पर पहले करना होता है। एसिडोसिस में आप सभी को पता है मीठा सोडा दिलवाया जाता है खाने में,
और उससे धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट हो जाता है। लेकिन यहाँ विशेष तौर से जो मेडिसिन इस्तेमाल होती है वो है एक प्रकार की होम्योपैथी जिसका नाम है रस्टॉक्स। ये जो रस्टॉक्स है 200 पोटेंसी की होम्योपैथी यूज़ की जाती है और 2-2 ml सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम जीभ पर डाली जा सकती है। लेकिन याद रहे कोई भी दवा पशु चिकित्सक की सलाह और उनकी उपस्थिति से ही दिलवानी है, ये विशेष ध्यान रखिएगा। बाकी होम्योपैथी में रस्टॉक्स का बहुत अच्छा इसमें रिजल्ट है। इसके अलावा साथ में कल्केरिया कार्ब, कल्केरिया फोस और कल्केरिया फ्लोर, ये तीनों भी दिलवाई जा सकती है, ये भी बहुत अच्छी रहती है इसमें। और ये 1-1 ml सुबह शाम दे दें तो बहुत ही बढ़िया रहता है। इसके अलावा नॉर्मली जो हम देते हैं वो सोडा फोस पाउडर हो गया 50-50 ग्राम रोज़ दिलवाया जाता है, या फिर न्यूरोकाइंड की सिरप हो गई जो कि 100-100 ml रोज़ दिलवाई जाती है। तो ये देकर के और साथ में सेराकाइंड की जो बॉलस आती है, सेराकाइंड प्लस वेट, उनको भी 2-2 गोली रोज़ दिलवाया जा सकता है। तो ऐसे करके जल्दी ही ऐसे केसेस को ठीक कर सकते हैं। एक पाउडर आता है, अगर मान लीजिए सेराकाइंड नहीं दे रहे हैं तो सोडियम सैलिसिलेट का, तो सोडियम सैलिसिलेट भी इसको अगर 15-15 ग्राम सुबह शाम दिलवाया जाए 5-7 दिन तक, तो उनका भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। ये पाउच आते हैं और ये पाउच भी बहुत अच्छा वर्क करते हैं। तो इस तरीके से लंबे समय से चले आ रहे अकड़न को भी ठीक किया जा सकता है। 15-20 दिन मेडिसिन दें तो भाई धीरे धीरे ऐसे में क्या है, एकदम से इम्प्रूवमेंट नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट ज़रूर ऐसी भैंस में भी हो जाएगा।